हेलो भाइयों, मेरा नाम है यंशु। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरी वीडियो में। मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था कि मेरा आइडल स्टार्ट स्टॉप काम नहीं कर रहा, जो ये वाला बटन होता है। यार अब तो काम करने लगा। मैं आपको दिखाऊं, जैसे अभी मैं यहाँ आके खड़ा हुआ था तो ये अपने आप से ही ए पे ये आ गई और अपने आप से ये मतलब गाड़ी बंद भी हो गई और स्टार्ट भी नहीं हो रही। तो शायद से अब मुझे लग रहा है कि ये वाला जो फीचर है काम करने लगा है। अब मैंने क्लिच भी दबा ली और ये स्टार्ट भी हो गई। पहले क्या था, पहले अपने आप ही मतलब बिना क्लिच दबाए भी अपने आप ही स्टार्ट हो जाती थी। वो मुझे पता नहीं लग पा रहा था कि किस वजह से हो रही थी, लेकिन अब मैं देख पा रहा हूँ तो वो वाली दिक्कत अब नहीं हो रही। मतलब जब मैंने गाड़ी ली थी ना, ये तब दिक्कत आ रही थी। और अब मैं आज क्या तारीख है, आज भाई 7 तारीख है। ये गाड़ी हमने 5 फरवरी 2023 में ली थी, तो उसके 10-15 दिन बाद ये दिक्कत आनी शुरू, मतलब दिक्कत आनी शुरू क्या हुई, मैंने दिक्कत ये नोटिस करनी शुरू करी कि हाँ ये दिक्कत हो रही है गाड़ी में। और अभी मैं जैसा अब लेके निकला आज के दिन, तो यार ये वाली दिक्कत मुझे सही सी लगने लगी। तो अब पता नहीं इसे क्या कह सकते हैं कि ये दिक्कत सही हो गई है या पहले क्या थी क्या नहीं, अब समस्या तो आ नहीं रहा। बाकी एक बार हम मारुति में भी जाके देखेंगे क्या हिसाब किताब है इसका, एक बार चेक और करवा लेंगे। अगर 2-4 बार मतलब और दिक्कत करती है तो फिर तो यार दिक्कत है ही ये, और अगर नहीं कर रही तो इसका मतलब है कि ठीक हो गई। दिखाते हैं आपको वीडियो में, तो वीडियो में आप आखिरी तक बने रहना, वीडियो को स्किप मत करना। हाँ तो भाइयों, आप लोगों ने देख भी लिया होगा ये जो हमारी दिक्कत आ रही थी ये सॉल्व हो चुकी है अपने आप से ही। पता नहीं जादू सा हो गया होगा गाड़ी में, तो ये अपने आप ही सॉल्व हो चुकी है। बाकी मैंने 4-5 बार और ट्राई कर लिया है गाड़ी रोक के, और ये वाली चीज़ देखिए कि गाड़ी अपने आप से स्टार्ट हो रही है या नहीं हो रही। मैं एक बार लाइव और आपको करके दिखा देता हूँ। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अब वो वाली दिक्कत है ख़त्म हो गई है गाड़ी में। मैं एक मिनट गाड़ी रोकता हूँ और एक बार करके दिखाता हूँ आपको। ये भाई गाड़ी रोक दी मैंने, न्यूट्रल कर दिया गियर, और ये देखो गाड़ी बंद हो गई। गाड़ी पीछे जा रही थी तो मैंने हैंड ब्रेक भी खींच लिया। अब ये देखो मतलब मैंने ना कोई भी ना तो क्लिच वगैरह दबा रखी है और गाड़ी स्टार्ट भी नहीं होने की जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि मैंने अब से पहले भी 4-5 बार ट्राई कर लिया है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। ये देखो मतलब ये वाला फीचर अब सही से काम करने लगा है, ये जो आपको इसमें MID के ऊपर। अरे भाई हो गई यार, ये तो अपने आप से स्टार्ट हो गई। मतलब वही यार दिक्कत आ रही है, अब पता नहीं क्या चीज़ है इसमें क्या नहीं, पर लेकिन भाई दिक्कत आ रही है। अब तो ये आपके सामने मतलब मैंने दिखा भी दिया है, बस इसमें मैंने कैमरे का थोड़ा सा जूम कर दिया था तो इसमें आपको पता नहीं लगा होगा। अब मैं एक बार फिर से करके दिखाऊंगा आपको। अब की बार मैं ना वाइड एंगल में रखूंगा, कैमरे का जो एंगल है वो वाइड ही रखूंगा, तो इससे आपको पता लग जाएगा कि हाँ कोई क्लिच वगैरह नहीं दब रही और गाड़ी अपने आप से स्टार्ट हो रही है। वो चीज़ आप मैं तो यार ये सोच रहा था मतलब अपने आप से दिक्कत सॉल्व हो गई, बढ़िया बात है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और भाई 4-5 बार ट्राई करने के बाद अब इसने फिर से मतलब स्टार्ट कर दी गाड़ी बिना क्लिच दबाए। एक बार मैं और करके दिखाऊंगा आपको, तो वो देखते रहना आप वीडियो में, आखिर तक बने रहना। अगर आप मतलब मैंने ना अपने चैनल पर 1-2 वीडियो डाली है ना अपनी गाड़ी की इसी मैटर के, उसमें मतलब इसी दिक्कत के, उसमें तो 3-4 जनों का मैसेज आया था मेरे पे कि भाई सेम ही दिक्कत हमारी वाली गाड़ी में भी आ रही है। अब इसके मैं बताऊँ इसमें ना क्या दिक्कत होगी, इसका जो ये वाला फीचर है ना आइडल स्टार्ट स्टॉप का, इसमें कोई माल फंक्शनिंग वगैरह हो रही होगी जिससे ये फीचर सही से काम नहीं कर रहा होगा। मैं मतलब थोड़ी सी आगे आ गया, एक बार यहाँ और ट्राई करके देखते हैं। और अब की बार ना मैं कैमरे का जो एंगल है वो ऐसी वाइड रखूँगा, यहाँ मैं छाए में लगा लेता हूँ गाड़ी और आप देखना एक बार। मैंने रोक दी, न्यूट्रल कर दी, अब देखो भाई बंद हो गई ना। अब मैं ना पीछे कर लेता हूँ सीट और आपको दिखाऊंगा। अब देखो भाई ना तो मेरा पैर क्लिच वगैरह पे, अब आप वीडियो को देखते रहना, जहाँ तक मुझे लग रहा है स्टार्ट होगी। हो जा भाई, वही कम से कम 10-15 सेकंड के अंतर में स्टार्ट हो जाती है अपने आप ही, आप देखते रहना। हाँ हैंड ब्रेक लगा दिया, हाँ ये देखो भाई अब तो ये हो गई ना स्टार्ट। ये देखो पता नहीं क्या दिक्कत है, या तो मुझे लग रहा है आप ये कह सकते हो कि ये ऑटोमेटिक एसी चल रहा था इस वजह से ये स्टार्ट होती है, पर मैं एक बार और देख लेता हूँ कि ये और इसकी एसी की वजह से स्टार्ट हो रही है किसकी वजह से स्टार्ट हो रही है, ये चीज़ पता नहीं लग पा रही।
एक सेकंड और, मतलब एक बार और ट्राई करके देखते हैं कि वाकई में ये दिक्कत है या फीचर है, ये चीज़ देखते हैं एक बार। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक बार फिर से गाड़ी रोकते हैं। और अब की बार ना मैं क्या काम करूँगा, अब की बार ना मैं एसी बंद कर दूँगा। मतलब मैंने ना ऐसा भी सुना है कि अगर आपका ये ऑटोमेटिक एसी चल रहा है और इसका जो टेम्परेचर है ना वो लो है तो गाड़ी अपने आप से स्टार्ट हो जाती है, तो वो चीज़ एक बार और देखेंगे हम। मतलब अब की बार जो है ना एसी ऑफ कर देंगे। हो सकता है शायद माल फंक्शनिंग ना हो, एसी की वजह से स्टार्ट होती हो, पर वो चीज़ भी अभी पता लग जाएगी। एक बार हम यहाँ और ट्राई करके देखते हैं। मैं गाड़ी लगाता हूँ साइड में और अब की बार देखो भाई मैं पहले एसी इसका बंद कर देता हूँ। अब इसका एसी मैंने बंद कर दिया है और अब देखते हैं कि स्टार्ट होती है या नहीं होती। ये देखो मैंने कर दी गाड़ी न्यूट्रल और ये हो गई बंद। हैंड ब्रेक लगा देता हूँ जिससे गाड़ी आगे ना चली जाए, और पीछे कर देता हूँ सीट जिससे आपको पता लग जाए कि हाँ गाड़ी अपने आप से स्टार्ट हो रही है। कम से कम 10 से 15 सेकंड आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि 10 से 15 सेकंड में गाड़ी स्टार्ट हो जाती है अपने आप। तो थोड़ा सा हम इंतज़ार करते हैं, देखते हैं गाड़ी स्टार्ट होगी या नहीं अपने आप, बताते हैं आपको। नहीं भाई अभी तो मतलब स्टार्ट नहीं हो रही, हो गए हैं हमें 10 से 15 सेकंड। नहीं 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 अब नहीं हो रही स्टार्ट। हाँ अब नहीं हो रही यार स्टार्ट। ये जहाँ तक मुझे लग रहा है ये एसी की दिक्कत है। अब मैंने क्लिच दबाई और स्टार्ट हो गई। ये जो है ना शायद से एसी की दिक्कत है। मैं अब एसी चला देता हूँ और फिर एक बार आगे ट्राई करूँगा तो मुझे ना पता लग जाएगा। मैं ना इसे दिक्कत समझ रहा था कि ये ना कोई इसके फीचर वगैरह में माल फंक्शनिंग हो रही है, उसकी वजह से दिक्कत आ रही है। एक बार हम और ट्राई करेंगे आगे। भाई नहीं यार रेड लाइट पे तो हमें तो रुकना नहीं है, हमें तो लेफ्ट जाना है। तो ये देखो भाई मैं अब एक बार और रोकता हूँ और एसी इस बार मेरा चला हुआ है। जहाँ तक मुझे लग रहा है ये एसी की दिक्कत है। मैंने भी मतलब ऐसे पहले ध्यान नहीं दिया, ये जो दिक्कत आ रही है इसके पीछे एसी का राज है। तो एक बार हम देखते हैं, अब मेरा जो एसी है वो ऑन है। अब गाड़ी कर देते हैं यहाँ बंद, मतलब वही अपने आप ही हो जाएगी। ये भाई न्यूट्रल कर दी और ये हो चुकी है बंद, और हैंड ब्रेक मैंने खींच दिया है, अब ये बंद हो चुकी है। और ना ये मेरा पैर भी देख लो पीछे हैं। देखते हैं यार कम से कम 10 से 15 सेकंड हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। ये यार ये देखो ये शायद से एसी की दिक्कत है। मतलब अब इसका एसी चल रहा है ना तो ये अपने आप से स्टार्ट हो गई। जहाँ तक मुझे लग रहा है ये एक फीचर है या दिक्कत है, इसे क्या कहें, ये समझ में नहीं आ रहा। तो अब यार ये चीज़ मुझे समझ से नहीं आई, मतलब एसी से इसका क्या रिलेशन है। तो मेरा मतलब यही था भाई, मैंने आपको बता ही दिया है कि ऐसे एसी से भी दिक्कत हो सकती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।